सब्सक्राइब करें मेरे चैनल स्पाइडा को और बेल आइकॉन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यदि आज हम सिख समाज की बात करें तो हम ये बता दें कि आज भी इस समाज का कोई भी शख्स तंबाकू का सेवन नहीं करता है। दरअसल इस समाज के धर्म गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ के लोगों को एक ऐसी शिक्षा दी थी जिसका लोग आज भी पालन करते हुए आ रहे हैं। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह ने एक बार तंबाकू के प्लांट्स को नष्ट कर दिया था। इस पर एक शिष्य ने पूछा था कि गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि शराब से सिर्फ एक ही पीढ़ी को नुकसान होता है जबकि तंबाकू से अनेक पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। यही कारण है कि आज भी इस समाज के लोग तंबाकू का सेवन करने से परहेज करते हैं। जानकारी के मुताबिक गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, तब सिखों को बुरी वस्तुओं से बचाने के लिए कुछ नियम तैयार किए। उन्होंने मुगल बादशाह संग अनेक युद्ध किए और ज्यादातर में जीत हासिल की। उनके पिता सिख धर्म के नौवे गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी देवी थी। गुरु गोविंद सिंह की इस सोच की वजह से आज ये समाज पूरी तरह से तंदुरुस्त है। आज भी काम आ रही शिक्षाएं, गुरु गोविंद सिंह जी की सीख आज भी समाज के लोग पूरी श्रद्धा और आदर संग मनाते हैं। यही कारण है कि आपने किसी सिख समाज के शख्स को तंबाकू या अन्य किसी प्रकार की स्मोकिंग करते हुए नहीं देखा होगा।